तो भाई लोग कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत करते हैं मैं सुपर पावर गर्लफ्रेंड के एपिसोड नंबर 15 के साथ आ चुका हूं। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है ज़ियाविन को, जो कि उस इल्यूजन से बाहर आ चुका है और तभी जैसे उठता है तभी उसके मुंह पर कुछ दर्द होना महसूस होने लगता है और उससे बोल लगता है लिन में आओ, तुमने अभी अभी मुझे हेट किया क्या। तभी लिन में उसके पास आती है और उसे बोल लगती है आखिरकार तुमसे किसने कहा था कि पूरे आधे के आधे दिन इस तरीके से तुम यहाँ पर खड़े रहो बिना किसी रेस्पॉन्स के। तभी जो ज़ियाविन होता है वो उससे कह लगता है अगर मेरी जो नाक है वो अगर टूट गई होती तो तुम्हें उसके पैसे भरने पड़ते। तभी लिन में उससे कह लगती है ये टूटी नहीं है ना, सही कहा ना मैंने। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो ये है ना उसके भी आंखें होने लगती थी देख करके, और ये के जो होती है वो देखकर कर ज़्यादा खुश होने लगती है और बोलने लगती है हे सिस्टर आखिरकार तुम्हें होश आ ही गया है, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। और तभी उसके जो सर है वो थोड़ी दूर दुखने लगता है और उससे बोलने लगती है मेरा जो सर है वो थोड़े चक्कर सा महसूस हो रहा है और ज़्यादा कुछ भी नहीं। तभी अचानक से उसकी जो सारी की सारी मेमोरीज है वो इरेज हो चुकी हैं और मन में सोचते बोलने लगती है यहाँ आखिरकार जब मैंने ज़ियाविन को अपनी सेकेंडरी इल्यूजन में भेज दिया था तब क्या हुआ था, आखिरकार मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा है उस समय का। और इस बच्चे को तो देखो, इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि इसे कुछ भी हुआ ही नहीं है। और तभी जो लिन में होती है वो उसके सामने खड़ी हो जाती है, अबे यार इस पोजीशन में खड़े होगी तो लोग क्या समझेंगे। तभी लिन में उसके पास आती है और उसे बोलती है ए मिस वांग अब तो मैं होश आ ही रहा है तो चलो असिस्टेंट की तरफ चलते हैं। तभी जो ये हान है वो उससे बोल लगती है आखिरकार मुझे किस लिए तुम्हारे साथ असोसिएशन जाना पड़ेगा, आखिरकार तुम हो कौन। और तभी जो लिन म्याओ होती है वो उससे बोल लगती है अच्छा ऐसी बात है तो मैं तुम्हें अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती हूँ, मेरा नाम लिन म्याओ है और मैं हेड हूँ इंटेलिजेंस सेक्शन की एसोसिएशन की और मैंने तुम्हारे साथ सस्पेक्ट करती हूँ कि तुम्हारे कुछ रिलेशनशिप हैं अल्टीमेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ और मेरी इन्वेस्टिगेशन के साथ चाहती हूँ आप कोऑपरेट करें। और तभी ये यार उससे पूछने लगती है तुम सबसे पहले मुझे वो दिखाओ आखिरकार तुम्हारा जो इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर है वो कहाँ पर है। इसको देखकर लिन म्याओ को तो सरप्राइज होती है। तभी लिन म्याओ उससे कहने लगती है जब मैं एक बार एसोसिएशन में वापस चली जाऊंगी तब मैं उस लेटर को बनवा लूंगी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी यान वहां से जाने लगती है और उससे बोलती है जब तुम्हारा वो लेटर रेडी हो जाए तब तुम मेरे पास वापस आ सकती हो। तभी यान उससे बोलने लगती है वैसे एक बात तुम्हें याद दिला दूं कि हम दोनों के पास ही मेंटल एबिलिटी है तो तुम मुझसे कुछ भी जानकारी निकालने के लिए काबिल नहीं हो पढ़ाई तुम मेरे सीक्रेट्स का पता लगा सकती हो। ये देखकर लिन म्याओ सरप्राइज होती है और उससे बोलने लगती है वाओ ये तो सच में मेरी एबिलिटी को सेंस कर सकती है। और तभी जो यान होती है वो फांग जी से कहने लगती है मतलब ये कैसे कहने लगती है तो मेरे साथ चलो। तभी जो ये की होती है वो उससे बोलती है मैं यहाँ से वापस नहीं जाना चाहती। तभी हमें दिखाया जाता है जो यान होती है वो गुस्से में उस तरफ देखने लगती है अपनी डरावनी नज़रों से और उससे बोलती है क्या तुम मेरे ऑर्डर्स को मानना नहीं चाहती। जिसको देख कर जो ये की होती है वो डर जाती है और उससे बोल रहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी बात नहीं है। और तभी यान उस पर चिल्लाती है वो बोलने लगती है आखिरकार तुम किस बात का इंतजार कर रही हो जल्दी से मुझे फॉलो करो। और तभी अचानक से उन दोनों के बीच के जो बातें चल रही होती है उसमें ज़ियाविन बीच में कूद जाता है और उससे बोले लगता है हे तुम दोनों वहीं पर रुको। तभी जो लिटिल लोली जियान होती है वो उससे बोले लगती है अब क्या हुआ तुम्हें क्या चाहिए। तभी ज़ियाविन उनसे बोलता है तुम मेरे किराएदार को अपने सिस्टर के रूप में ले जाना चाहते हो यहाँ से, मैं इसको अलाउ नहीं करने वाला क्योंकि अभी तक जो हमारा रेंट है वो पे नहीं किया गया है और तुम मेरे बिजनेस के बीच में ना टांग अड़ाओ तो बेटर रहेगा। तभी जियान उससे कहने लगती है ये तुम्हारे दोनों के बीच का मामला है मेरा इससे कोई लेना नहीं है, मैं बस अपनी सिस्टर को वापस घर लेने के लिए आई हूँ और बाकी का जो काम है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। और तभी मैं दिखाया था वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी लेने में उससे बोल लगती है ये ज़ियाविन तुम्हें नहीं लगता कि ये दोनों के दोनों सिस्टर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज है मतलब बहुत ज़्यादा अजीब व्यवहार कर रही हैं, इसकी जो सिस्टर है वो अभी उसने अपनी सिस्टर के सामने ही मतलब दूसरों के सामने अपनी सिस्टर पर इतना रौब जमाया जो देखने में थोड़ा अजीब लग रहा है। ये सुनने के बाद ज़ियाविन भी अच्छा जोश में आ जाता है और वहाँ पर चिल्लाता है जिसको देख सुनने के बाद लेकिन वह भी बहुत ज़्यादा डर जाती है उसे दूर भगने लगती है कहीं ये फिरते गोकू वाली पावर ना जगा ले और कामे हामे का इस्तेमाल ना कर दे। लेकिन हमें पता चलता है वो घड़ी को देखता है और बोलता है अरे नहीं यहाँ 9:30 बज गया यहाँ तो, और वो वहीं पर उदास बैठ जाता है और बोलता है मैंने अभी तक अपनी बाइक को फिक्स भी नहीं किया है। और लेकिन मैं उसे कहने लगता है जब से मैं तुमसे मिला हूँ तब से मेरी किस्मत में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। तभी लेकिन मैं गुस्सा हो जाती है और जल बुझ कर उसे कहने लगती है इससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है तुम्हारे काम से। तभी नेक्स्ट सीन हमारा शिफ्ट होता है कहीं और पर, यहाँ पर कई लोग लाइन में खड़े हैं और ये वांग क्लैन है यहाँ पर सभी लोग इन दोनों सिस्टर्स का इंतजार कर रहे हैं और जितने भी उसके चेले चपाटे होते हैं वो बोलने लगते हैं सेकंड मिस अपना जो सामान है वो मुझे दे दीजिए और सभी के सभी लोग जोर से चिल्लाते हैं सेकंड मिस, जिसको देखकर सुनने के बाद जो वांग ही होती है वो थोड़ी सरप्राइज होती है और बड़ा अजीब सा महसूस करने लगती है। तभी अचानक से उसे कुछ महसूस होता है जैसे पीछे मुड़कर देखने लगती है और मन में सोचते बोलती है आखिरकार तुम मुझे लेने के लिए इतने ज़्यादा लोगों क्यों लेने आई हो। और तभी ये जो यान होती है वो उससे कहने लगती है जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठ जाओ और बाहर झांकना बंद कर दो
और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ उनकी जो कार है वो वहाँ से निकल जाती है और जावेन उनको ऊपर से छत से देख रहा होता है जाते हुए। तभी अचानक से जावेन के पीछे कोई आता है और हमें दिखाया जाता है वो लिनमयाओ को। लिनमयाओ आती है और उससे बोलने लगती है, मैंने तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी ये शर्माने वाली लड़की वांग क्लैन की सेकंड मिस होगी। सही कहा ना मैंने? तभी लिनमयाओ उससे कहने लगती है, वैसे तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने एसोसिएशन को ज्वाइन कर ही लिया है तो तुम डिलीवरी की बॉय की मतलब डिलीवरी बॉय की जॉब क्यों करना चाहते हो? लेकिन जावेन पूरे टोटली तरीके से वहीं पर सन्नाटे में खड़ा हुआ होता है और उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता ये क्या पूछ रही है। लेकिन लिनमयाओ कहाँ मानने वाली, वो भी उंगली करना चालू कर देती है उसके। तभी अचानक से उसकी दिमाग की घंटी बजती है और बोल लगता है, अरे हाँ अब मुझे याद आया, अरे अब अगर मेरे पास एसोसिएशन की जॉब है तो मैं अब डिलीवरी क्यों कर रहा हूँ, मुझे इसे अब तो डिलीवरी करने की जरूरत है ही नहीं। भाई बहुत जल्दी याद आ गई इसको ये देखने के बाद, तो भाई इसके दिमाग का तो पूछो ही मत। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय गाइस, ख्याल रखना, मैं तो चला आना ये एपिसोड रिकॉर्ड करने के लिए।